सोनू एक बुद्धिमान स्टूडेंट था। वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था और इस बार के फाइनल एग्जाम्स में भी वो पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पाकर सबका चहेता बन गया था। इसलिए सोनू के माता पिता उसको छुट्टियों में घुमाने के लिए शिमला लेके गए। सोनू ने छुट्टियों में खूब मजे किए और फिर छुट्टियां खत्म हुई। सोनू और उसके माता पिता शिमला से वापस घर आ गए क्योंकि सोनू का स्कूल खुलने वाला था और सोनू स्कूल जाने के लिए बेहद उत्साहित था। वो अपने सारे दोस्तों को छुट्टियों की सारी बातें बताने के लिए बेसब्र था। सोनू अपनी माँ से बोला, माँ आज तो मुझे नींद भी नहीं आएगी, कल सुबह जाकर मैं अपने सारे दोस्तों को शिमला के बारे में बताऊंगा। सोनू की माँ बोली, हाँ बेटा जरूर बताना, लेकिन अभी सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है। सोनू अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह सोनू की माँ सोनू के कमरे में सोनू को जगाने के लिए गई, मगर सोनू जागा नहीं। उसकी माँ उसको जगाने के लिए उसको हिलाती रही, उसको पुकारती रही, मगर सोनू ने आंखें नहीं खोली। सोनू मर चुका था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, उसके मुंह से झाग निकलकर सूख चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। सोनू की माँ की नजर सोनू के स्टडी टेबल पर गई। उस टेबल पर पेंसिल बॉक्स रखा हुआ था और उसके नीचे एक पेपर था। सोनू की माँ ने उस पेपर को पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वो एक सुसाइड नोट था, सोनू की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट, और वहीं पास में एक जहर की छोटी शीशी रखी हुई थी। सोनू की माँ दहाड़े मार कर रोने लगी। सोनू की माँ की रोती बिलखती आवाज सुनकर घर के बाकी सदस्य भी सोनू के कमरे में आ चुके थे। सोनू को बिस्तर पर मरा हुआ देखकर सबके होश उड़ गए। एक हंसता खेलता बच्चा आत्महत्या कैसे कर सकता है? सोनू की माँ ने तुरंत अपने भाई सुजॉय को एक संदेश भिजवाया। सुजॉय जासूस रमन का असिस्टेंट था और काफी समय से जासूस रमन के साथ काम कर रहा था। सुजॉय और जासूस रमन कुछ देर में सोनू के कमरे में खड़े थे। अपने भांजे को बिस्तर पर मरा हुआ देखकर पहले तो सुजॉय काफी देर तक रोता रहा, फिर उसने खुद को संभाला। तब तक जासूस रमन कमरे की अच्छे से जांच कर रहा था। जासूस रमन को उस कमरे में ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जिससे ये लगे कि सोनू की हत्या की गई हो। अगर किसी ने जुर्म किया होता तो अपने पीछे कोई निशानी जरूर छोड़ जाता, मगर वहां सब कुछ नॉर्मल था। बस एक सुसाइड नोट और जहर की एक शीशी के अलावा वहां कुछ और दूसरा सबूत नहीं था। जासूस रमन ने सोनू की माँ से पूछा, कल रात सोने से पहले सोनू क्या कुछ परेशान था? सोनू की माँ रोते हुए बोली, जी नहीं, वो तो आज स्कूल जाने के लिए और अपने दोस्तों से मिलने के लिए बहुत खुश था। वो ऐसे चिट्ठी लिखकर खुद की जान नहीं ले सकता, जरूर मेरे बाबू को किसी ने मारा है। इतना कहकर सोनू की माँ रोने लगी। जासूस रमन ने सुजॉय से कहा, देखो सुजॉय, ये मर्डर है या सुसाइड ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें पुलिस को इस घटना की जानकारी देनी होगी। क्या इस घर में टेलीफोन है? सुजॉय बोला, जी सर, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सुजॉय पुलिस को घटना की जानकारी देने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। जासूस रमन ने सोनू की माँ से फिर पूछा, आपको कब पता चला कि सोनू, मेरा मतलब है कि आप कमरे में कब आई? सोनू की माँ बोली, आज सुबह जब मैं उसको जगाने के लिए गई तब सोनू बिस्तर पर लेटा हुआ था। वैसे वो खुद ही जाग जाया करता था, मगर आज वो। इतना बोलकर सोनू की माँ फिर से रोने लगी। रमन बोला, देखिए खुद को संभालिए और मेरे सवालों के जवाब दीजिए। आप सुबह आई तो दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो अंदर से लॉक होगा ना? सोनू की माँ बोली, नहीं, सोनू दरवाजा लॉक नहीं करता था, उसे डर लगता था इसलिए वो दरवाजे को खोलकर ही सोता था। जासूस रमन ने अपने मन में सोचा, तब तो आसानी से कोई भी कमरे में आ जा सकता है। तभी सुजॉय कमरे में आया और रमन से बोला, सर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। रमन ने कहा, ठीक है अब तुम जाओ और अपनी दीदी को संभालो। सुजॉय सोनू की माँ के पास जाकर बैठ गया। सोनू की माँ सुबक सुबक कर रो रही थी। रमन ने सोनू के पिता की तरफ देखा। सोनू के पिता सोनू के बेड के पास खड़े होकर बस सोनू की लाश को ही देख रहे थे, वो सदमे में थे। वहीं पास में एक आदमी और एक औरत भी थे और उनके साथ एक छोटी लड़की थी जो सोनू की ही उम्र की लग रही थी। सबके चेहरे मुरझाए हुए थे।
रमन ने पूछा। अंदर आते समय मैंने देखा कि आप लोगों के घर में सीसीटीवी है, क्या आप लोगों ने सीसीटीवी चेक किया? क्या रात में कोई आया था? कमरे में खड़ा दूसरा आदमी बोला, जी सबसे पहले मैंने वही चेक किया था, उसमें सब नॉर्मल है। रमन ने उस आदमी से कहा, ओके वैसे आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा, जी मैं इनका छोटा भाई हूँ, सोनू का चाचा। ये मेरी पत्नी सीमा है और ये मेरी बेटी पिंकी, हम जॉइंट फैमिली हैं। रमन कुछ पल सोचकर बोला, माफ कीजिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, पर ऐसा भी हो सकता है कि सोनू ने आत्महत्या नहीं की, उसका कत्ल हुआ हो। उसको मारने वाला घर का ही कोई सदस्य हो सकता है क्योंकि बाहर से कोई आया नहीं है। तभी सोनू की चाची सीमा तपाक से बोल पड़ी, जी वो घर के पीछे वाला गेट का कैमरा खराब है। तो रमन बोला, तब तो पक्का किसी ने उसी गेट से आके ये सब किया है। सोनू की चाची सीमा बोली, हाँ हो सकता है, पर इस सुसाइड नोट का क्या? ये तो सोनू की हैंडराइटिंग में है। रमन बोला, अब हम यहाँ आए हैं तो ये भी पता लगा ही लेंगे। रमन ने फिर पूछा, ये पिछले गेट वाला सीसीटीवी खराब कब हुआ था? सोनू का चाचा बोला, जब भैया भाभी सोनू के साथ वैकेशन में गए थे उसी टाइम। सोनू की माँ बोली, जी पिछले गेट से कौन आ सकता है, वो गेट तो कभी खुलता भी नहीं, उसकी तो चाबी भी खो चुकी है। यहाँ पर जासूस रमन को थोड़ा शक होने लगा। घर पर एक संदिग्ध मौत हुई है और उसी वक्त सीसीटीवी का खराब होना उसे हजम नहीं हो रहा था। जासूस रमन घर के पीछे वाले गेट के पास गया, उसने घर की तरफ पलट कर देखा, वहां पर आधुनिक युग का एक कैमरा लगा हुआ था जिसे सीसीटीवी कहते थे। सीसीटीवी उस वक्त नया नया चलन में आया था। फिर रमन घर के पिछले गेट के पास गया, उसने देखा उस गेट में धूल जमी हुई थी क्योंकि वो गेट इस्तेमाल में नहीं था, मगर उस गेट के नीचे एकदम साफ था, मानो जैसे किसी ने झाड़ू लगाया हो, जिससे फर्श पर जमी हुई धूल साफ हो चुकी थी और किसी के पैरों के निशान मिल पाना मुश्किल था। मगर जासूस रमन की पैनी नजर से कोई सबूत कैसे छुप सकता था? जासूस रमन ने गेट में लगे हुए ताले को देखा, ताला एकदम साफ था, उसमें धूल का एक कण नहीं था। अब कोई सिर्फ ताले को साफ क्यों करेगा जबकि पूरे गेट में धूल जमी हुई थी? जरूर किसी ने ताले को खोलकर गेट खोला है। पर अब रमन के मन में कई और सवाल खड़े होने लगे। उसने मन में सोचा, अगर सोनू का कत्ल हुआ है तो फिर उसकी हैंडराइटिंग में सुसाइड नोट कैसे आया? इसका जवाब मुझे घर के अंदर ही मिलेगा। रमन वापस घर के अंदर आया, अंदर पुलिस आ चुकी थी, उसमें इंस्पेक्टर रवि भी था। जासूस रमन को अंदर आता देखकर इंस्पेक्टर रवि बोला, हेलो डिटेक्टिव साहब, आपने तो अपनी पड़ताल कर ही ली होगी, आप ही बता दें कि क्या केस बनेगा। रमन बोला, इंस्पेक्टर साहब अभी मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, आप अपनी तहकीकात कीजिए, मैं अपने स्तर से केस की पड़ताल करता हूँ। इतना कहकर रमन सुजॉय के पास गया और बोला, सुजॉय मुझे सोनू की सारी डिटेल्स चाहिए। सुजॉय ने सोनू के बारे में सारी जरूरी जानकारी एक पेपर में लिखकर रमन को दे दिया। रमन ने सुजॉय से कहा, सुजॉय तुम यहीं इनके साथ रहना, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, और हाँ याद से तुम सुसाइड नोट की एक जेरोक्स कॉपी जरूर बनवा लेना। इतना कहकर जासूस रमन घर से बाहर चला गया। पुलिस ने अपना काम किया और सोनू की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जासूस रमन अगली सुबह सोनू के घर आया, सुजॉय वहीं था। रमन सबके सामने सुजॉय से बोला, सुजॉय मुझे इस घर की एक बार तलाशी लेनी है। रमन की इस बात से सोनू की चाची तुनक कर बोली, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अब तलाशी की कोई जरूरत नहीं, आपकी ये तहकीकात हमारे रिश्तों में शक पैदा कर रही है, हमारे परिवार में दरार डाल रही है। इसी बात में हाँ मिला के सोनू की माँ ने भी घर की तलाशी लेने से मना कर दिया। रमन ने अकेले में सुजॉय को समझाया और बताया कि तलाशी लेना कितना जरूरी है, और उसको बोला कि वो अपनी बहन को किसी भी तरह मनाए। सुजॉय ने सोनू की माँ को समझाया कि तलाशी होने दे, सोनू की मौत के पीछे की वजह इसी घर में है, मगर सोनू की माँ मानने को तैयार नहीं हुई। वो बोली, नहीं नहीं मेरी देवरानी नहीं मानेगी, अब तो सोनू चला गया है और अब वही हमारी फैमिली है, हम उनको भी खोना नहीं चाहते। सुजॉय बोला, ठीक है दीदी हम उनके सामने तलाशी नहीं लेंगे, जब वो कहीं बाहर चली जाएगी तब तलाशी ले लेंगे। दिन में सोनू की चाची अपनी बेटी पिंकी को लेकर अपने माँ के घर गई हुई थी।
सोनू के पिता और चाचा भी पुलिस थाने गए हुए थे। तब प्लान के मुताबिक सुजॉय और रमन ने सोनू की चाची के रूम की तलाशी ली। तब सोनू की मम्मी भी उनके साथ थी। तहकीकात के वक्त उनकी नजर बहुत सारे पेपर के बंडल पर पड़ी। ये क्या है, इतने सारे पेपर, रमन बोला। सोनू की माँ बोली, हाँ सोनू की चाची एक टीचर है, वो बच्चों के एग्जाम्स के आंसर शीट्स हैं, वो चेक करने के लिए लाई थी। जासूस रमन उन आंसर शीट्स के बंडल को खोलकर देखना चाहता था, पर सोनू की माँ ने मना कर दिया और बोली, छोड़ दो, उसमें क्या होगा, बच्चों के पेपर्स हैं, उसने मिला के रखा है, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो समझ जाएगी कि किसी ने छेड़छाड़ की है। जासूस रमन ने सोनू की माँ से पूछा, अच्छा ये सोनू उसी स्कूल में पढ़ता था ना जहाँ इसकी चाची टीचर है और सोनू की क्लास टीचर भी, और उनकी बेटी पिंकी भी उसी क्लास में पढ़ती है। सोनू की माँ बोली, जी हाँ सोनू और पिंकी एक ही क्लास में पढ़ते थे। रमन बोला, दोनों में से पढ़ाई में बेहतर कौन था? सोनू की माँ बोली, जी दोनों ही बेहतर थे, सोनू क्लास में फर्स्ट आता था और पिंकी सेकंड, उनके मार्क्स में सिर्फ एक या दो नंबर्स का फर्क होता था। रमन आगे बोला, आप सोनू के बेस्ट फ्रेंड को जानती हैं, रोशन को? सोनू की माँ बोली, जी हाँ वो कभी कभी घर भी आता था। जब रमन और सोनू की माँ बातें कर रहे थे उसी वक्त सोनू की चाची और पिंकी भी घर वापस आ गए और रमन मौका देखकर चुपचाप वहां से निकल गया ताकि सोनू की चाची को शक ना हो कि उसके कमरे की तलाशी ली गई है। सुजॉय अभी भी सोनू के घर पर ही था। रात में जासूस रमन और सुजॉय मिले और उन्होंने अच्छे से सारी बातों को एनालाइज किया। सुजॉय ने रमन से पूछा, सर क्या लगता है आपको सोनू की मौत के पीछे क्या वजह है? रमन बोला, देखो सुजॉय ये कत्ल है ये तो मैं श्योर हूं, कातिल कौन है ये भी मैं जानता हूं, मगर हमारे पास कातिल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए पुलिस कातिल को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सुजॉय बोला, क्या आप कातिल को जानते हैं? रमन बोला, हाँ कातिल के पास सोनू को मारने का मोटिव भी था। सुजॉय बोला, सर कौन है कातिल? रमन कुछ पल सोचकर बोला, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इतना कहकर सुजॉय सोनू के घर चला गया और जासूस रमन अपने घर की तरफ चल दिया। रात में करीब 11 बजे सोनू के घर के टेलीफोन की घंटी बजी तो सोनू की चाची ने फोन उठाया। रमन बोला, हेलो क्या मैं सोनू की माँ से बात कर सकता हूँ? मैं सुजॉय का दोस्त रमन बोल रहा हूँ। सोनू की चाची बोली, जी कहिए क्या काम है? मैं सोनू की चाची बोल रही हूँ, सीमा। रमन बोला, ओह अच्छा किया आपने फोन उठा लिया, मुझे आपसे भी एक जरूरी बात करनी है। दरअसल सोनू के कातिल के बारे में पता चल गया है, बस हमें उसके मुंह से कबूल करवाना होगा। सोनू की चाची बोली, कि क्या कौन है कातिल? रमन बोला, जी देखिए ये बात आपके और मेरे बीच रहनी चाहिए। आप रोशन को जानती हैं, सोनू का क्लासमेट और दोस्त रोशन? सोनू की चाची बोली, हाँ जानती हूँ, वो मेरा ही स्टूडेंट है, क्या वो कातिल है? रमन बोला, अब हाँ मुझे उस पर शक है, क्या आप उसे कल अपने घर बुला सकती हैं? आप उसकी टीचर हैं, किसी बहाने उसे बुला लीजिए, वो आ जाएगा और वहीं हम उसके मुंह से सच्चाई गुलवा लेंगे। सोनू की चाची बोली, ठीक है मैं कल उसे बुला लूंगी। अगले दिन सोनू की चाची ने वैसा ही किया जैसा जासूस रमन ने उससे कहा था। सुजॉय ने घर के सभी सदस्यों को रोशन के साथ एक हॉल में इकट्ठा किया। अब सभी रमन का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद रमन हॉल में आया और आते ही रोशन के करीब जाकर उसने रोशन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आप सबको जानकर दुख होगा मगर ये सच है, सोनू जैसा हंसता खेलता बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता, उसका कत्ल हुआ है और कातिल यहीं आपके सामने है। सोनू की चाची को मालूम था कि कातिल सोनू का दोस्त रोशन है। वह अजीब सी मुस्कान और नफरत के साथ रोशन की तरफ देख रही थी। तभी जासूस रमन ने कातिल का नाम लिया। सोनू का कत्ल करने वाला कातिल और कोई नहीं, सोनू की क्लास टीचर और उसकी सगी चाची हैं। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। सोनू की माँ बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? सोनू की चाची सोनू को अपने बेटे के समान प्यार करती थी। रमन बोला, रुकिए मैडम आप पहले इस बच्चे की बात सुन लीजिए। रमन ने रोशन से कहा, रोशन बेटा जो कुछ भी तुम जानते हो वो बताओ। रोशन बोला, सर सोनू का अगर मर्डर हुआ है तो पक्का सीमा मैम ने ही किया है।
तभी सोनू की चाची सीमा बोली, ये क्या बक रहे हो रोशन, क्या तुमसे ऐसा कहने के लिए इस जासूस ने कहा है? रोशन घबराते हुए बोला, नो मैम, मैंने डिटेक्टिव अंकल को आपकी सारी बातें बता दी हैं कि आप सोनू के अच्छे मार्क्स और अपनी बेटी के कम मार्क्स को लेकर आप सोनू से नफरत करती थी, उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसको मारती थी। सोनू की चाची सीमा बीच में बोल पड़ी, तो क्या मैं उसका खून कर दूंगी? इस जासूस ने मुझसे कहा था कि तुमने सोनू का मर्डर किया है। जासूस रमन बोला, हाँ मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि आप फरार ना हो जाओ और रोशन को खुद ही अपने घर बुला लो। कमरे में खड़े बाकी सभी सदस्यों की आंखें सोनू की चाची पर टिकी हुई थी। सीमा बोली, मैंने उसका कत्ल नहीं किया, मैं उसे क्यों मारूंगी? थोड़ी देर में इंस्पेक्टर रवि कुछ कांस्टेबल्स के साथ सोनू के घर पर आ पहुंचा। इंस्पेक्टर रवि बोला, डिटेक्टिव साहब, आप तो हमारे लिए किसी देवता समान हैं, हमारा आधा काम तो आप ही कर देते हैं। फिर इंस्पेक्टर रवि ने अपने साथ आए महिला कांस्टेबल से कहा, चलिए गिरफ्तार कर लीजिए मोहतरमा को, बाकी की पूछताछ थाने में करेंगे, चाय पीकर बताएंगी तो अच्छा है, वरना डंडे खाकर तो बताएंगी ही। जासूस रमन बोला, एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका थोड़ा काम और आसान कर देता हूँ। फिर रमन सीमा की तरफ देखकर बोला, सीमा जी आपने कहा था कि घर के पीछे वाला सीसीटीवी खराब है, इसलिए मैंने पीछे वाले गेट को अच्छे से चेक किया, सोनू की माँ ने कहा था कि उस गेट की ताले की चाबी खो चुकी है, फिर कोई बाहर से अंदर कैसे आ सकता है? चलिए मान लिया कि कातिल ने पहले चाबी चुरा कर अपने पास रख ली थी, फिर भी ताला खोलने के लिए उसे गेट के अंदर तो आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ताला तो अंदर से लगा हुआ है। ये सच है कि ताला खोला गया था और गेट भी खोला गया था, मगर बाहर से कोई अंदर नहीं आया, वो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए था कि अगर सोनू का सुसाइड वाला राज खुला और पुलिस को ये लगे कि सोनू ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका मर्डर हुआ है, तब पुलिस को ये लगे कि कातिल पिछले गेट से अंदर आया और सोनू को जहर देकर चला गया। सोनू की चाची बोली, ओके, पर इन सब बातों से ये तो साबित नहीं हुआ ना कि कत्ल मैंने किया है। रमन बोला, एग्जैक्टली, इसलिए हमने आपके कमरे की तलाशी ली और वहां पर हमें बच्चों की आंसर शीट्स का बंडल मिला। सोनू की चाची बोली, हाँ तो उसमें क्या? हॉल में खड़े पुलिस वाले और बाकी के लोग रमन और सीमा की बहस सुन रहे थे। जासूस रमन बोला, हमने सोनू के सुसाइड नोट को अच्छे से एनालाइज किया था और वो देख के लग रहा था कि सुसाइड नोट काफी पुराना था, उसे बहुत दिन पहले ही लिख लिया गया था, ना कि मर्डर वाली रात में। अब कोई छुट्टियों में घूमने गया है और बेहद खुश है तो वो सुसाइड नोट क्यों लिखेगा? इसका मतलब उसने सुसाइड नोट छुट्टियों से पहले ही लिख लिया था, यानी कि शिमला जाने से पहले। और फिर जब हमने कमरे की तलाशी ली तो आपके स्टूडेंट्स के आंसर शीट्स के बंडल में एक बंडल खुला हुआ था और ध्यान से देखने पर यह पता चला कि जो पेपर सोनू के सुसाइड नोट में था और वही पेपर एग्जाम के आंसर शीट में था। तभी मेरा दिमाग ठनका और मैं आपके दूसरे स्टूडेंट रोशन के पास गया और उससे बात की। मैंने रोशन को वो सुसाइड नोट की एक फोटोकॉपी दिखाई तो सारा खेल साफ हो गया। रोशन ने उस पेपर को देखते ही पहचान लिया और जब रोशन ने वो सुसाइड नोट पढ़ा तब पक्का यकीन हो गया कि मर्डर आपने ही किया है सीमा देवी। रोशन ने बताया कि आपने इंग्लिश के एग्जाम में एक पैराग्राफ लिखने को दिया था जिसमें सारा कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ था, बस फिल इन द ब्लैंक्स में सही वर्ड्स फिल करने थे, और आपने उस पैराग्राफ में ये सुसाइड नोट का सेम टू सेम पैराग्राफ दिया था। आपको पता था कि सोनू गलती नहीं करेगा, आपने अपने बच्चों को ये भी बोला था कि ये पैराग्राफ एक सिंगल पेज में लिखना है क्योंकि आपको लगा कि कहीं बच्चे सुसाइड नोट के पीछे वाले पेज में दूसरा आंसर ना लिख दे, इसलिए आपने बच्चों से बोला कि ये पैराग्राफ एक सेपरेट पेज में लिखना है। और एक और बात, एक छोटा बच्चा उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकता जितनी उस सुसाइड नोट में लिखी हुई थी, इतनी अच्छी इंग्लिश तो एक इंग्लिश का टीचर ही लिख सकता है ना। और जिस दिन सोनू छुट्टियों से घर वापस आया उस रात आपने सोने से पहले सोनू को जहर देकर हमेशा के लिए सुला दिया, उसके आंसर शीट में से वो सुसाइड नोट वाला पेज फाड़ के सोनू के रूम में रख दिया ताकि सबको लगे कि ये तो एक सुसाइड है। काम अच्छा किया आपने, लेकिन आप एक बात भूल गई कि आप एक टीचर हैं, कोई शातिर मुजरिम नहीं, इसलिए आपने इस जुर्म में कई सारी गलतियां की थी। एक बात जान लीजिए, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। सीमा की आंखें अब शर्म से झुकी हुई थी और यही उसके जुर्म का कबूलनामा था। रमन ने सीमा से और हॉल में खड़े सभी लोगों से कहा, सीमा जी, आपकी बेटी पिंकी और सोनू के बीच कभी किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं था। जब सोनू क्लास में फर्स्ट आता था तब आपकी बेटी ही सबसे तेज ताली बजाती थी,
उसे अपने भाई पर गर्व था और अपने भाई को देख देख कर ही वो मन लगाकर पढ़ाई करती थी ताकि वो भी अपने भाई की तरह टॉप कर सके। मगर उसके मन में कभी अपने भाई के लिए ना नफरत थी ना ही ईर्ष्या, जो आपके मन में थी। आपने एक हंसते खेलते बच्चे की जिंदगी उससे छीन ली। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा बोलते हुए जासूस रमन का गला भर आया। पुलिस ने सोनू के कत्ल के इल्जाम में उसकी चाची सीमा को गिरफ्तार कर लिया। सुजॉय जासूस रमन को छोड़ने के लिए घर से बाहर तक आया और रमन से बोला, सर आपकी आंखों में आंसू, मैंने पहले कभी आपको ऐसे नहीं देखा। रमन बोला, हे एक बेटे का बाप हूं सुजॉय, हर बच्चे में मुझे अपना बच्चा नजर आता है। अच्छा मैं चलता हूं, मेरा बेटा बिनी घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। एक मासूम बच्चे के कत्ल की गुत्थी सुलझाकर जासूस रमन अपने घर चला गया और ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। इस कहानी को और मुझे यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।